अब जब न्यूज हिंदी ब्रेकिंग। दुनिया के सभी बल्लेबाजों को अपनी उंगली पर नचाने वाले भारत के पूर्व कप्तान और स्पिनर बिशन सिंह बेदी का सोमवार को निधन हो गया। 77 साल की उम्र में बिशन सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बता दें कि काफी समय से बिशन सिंह बेदी बीमार चल रहे थे। बिशन सिंह ने भारत के लिए 1966 से 1979 तक टेस्ट क्रिकेट खेला, जिसमें कुल 22 मैचों में उन्होंने भारत की कप्तानी की, जबकि कुल 67 टेस्ट मैच खेलते हुए 266 विकेट झटके। उन्होंने वनडे मैचों में 7 विकेट भी लिए। भारत की पहली वनडे जीत में बिशन ने अहम भूमिका निभाई थी। इस बीच वनडे विश्व कप 2023 के बीच भारतीय फैंस को यह दुखद खबर मिली है, जिसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। एक्स पर पीएम मोदी से लेकर फैंस कई ट्वीट्स कर अलग अलग तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा, जाने माने क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी के निधन से काफी गहरा दुख हुआ। खेल के प्रति उनका जुनून अटूट था और उनके उत्कृष्ट गेंदबाजी प्रदर्शन ने भारत को कई यादगार जीत दिलाई। वह हमेशा ही क्रिकेटरों की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना।